माननीय मंत्री जी आ गया खंड एक जवाब कमेटी होगी नागौर डिडवाना जिले में। अरे जवाब आ गया प्रश्न संख्या बोले जवाब लंबे चौड़े दे रहे हैं सारे। माननीय अध्यक्ष महोदय जब से सदन चल रहा है मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं और 20-20 पेज के ये जवाब दिए जा रहे हैं और मंत्री महोदय को इनके अधिकारी गुमराह करके जो झूठे आंसर सीट हम सब लोगों को यहाँ दी जाती है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि पिछली बार भी मैंने कहा कि परबसर और नागौर ज़िले में ज़बरदस्ती बाहर की विजिलेंस के द्वारा VCR सीटें भरी जा रही है जबकि जवाब में आया कि जी नहीं जबकि रोजाना भरी जा रही है। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा आप पूरक प्रश्न पूछिए आप जब आपके मैनिफेस्टो में है कि 24 घंटे हम लोग बिजली उपलब्ध करवाएंगे लेकिन आज काश्तकार को बिजली की समस्या का जो समाधान है वो कहीं हो नहीं रहा और जब सवाल पूछा जाता है तो आपके अधिकारी आप प्रश्न पूछो उत्तर प्रश्न से प्रश्न से ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोगों को जो जवाब मिल रहे हैं आपके माध्यम से माननीय आज आप तीसरी बार खड़े हो बिना अनुमति के जवाब सही नहीं मिलता और मेरा आपसे आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी सवाल पूछा जाता है इनके अधिकारी हम लोगों को फोन करके कहते हैं कि माननीय पूरक सवाल मत पूछना ये जवाब जो हम आपको दे रहे हैं हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है तो भैया आप तनख्वाह लेते हैं मोटी मोटी और उसके बाद ये जवाब दिए जाते हैं लेकिन इतने लंबे चौड़े जो जवाब है हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। माननीय सदस्य तो मेरा आप सब लोगों से आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये आग्रह रहेगा कि आपने लिखा है कि घरेलू श्रेणी के 38 और कृषि श्रेणी के 127 उपभोक्ता है जिनका वरीयता अनुसार जारी किए जा रहे हैं ये वरीयता अनुसार इनके अधिकारी उपभोक्ता को बार बार चक्कर कटवाते हैं और हर बार ये कहते हैं पूछे ये भाषण का भी मुद्दा नहीं है प्रश्न पूछे मैं उत्तर दे रहा हूं। आप ये मंत्री महोदय ये बताने का कष्ट करें कि विजिलेंस हो रही है कि नहीं हो रही डीडवाना जिले में और परबसर विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली जो आप लोग ट्रिपिंग हो रही है उसकी समस्या का समाधान करने की चेष्टा रखते हो या नहीं रखते मेरा आपसे ये सवाल रहेगा। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा किसी को कि जो ट्रिपिंग अभी हो रही है सरकार की ये मंशा है कि कृषि में 6 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए और आम उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए मनसा है मनसा ही है जब से राज बना और जब आप पूरा जवाब सुनिए ना पिछले हाँ जो आप भी थे आप ये भी का पूछना चाहते हैं या मतलब बिजली उपलब्धता का एक एक प्रश्न पूछो ना ये आप भी यही कहते थे ये होता है जो बैठिए आपकी मंशा कही सुनिए मैंने आप पिछले माननीय अध्यक्ष महोदय उत्तर सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय पिछले 5 सालों में बिजली तंत्र में जिस तरह से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए रिकमेंडेशन किया जाना चाहिए था प्रसारण का विस्तार किया जाना चाहिए था इस कांग्रेस के राज में कोई भी काम नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे मंत्री जी जब बार बार बात को घुमाया जा रहे हैं आप ये बताने का कष्ट करें बार बार ट्रिपिंग हो रही है और विजिलेंस कारनामे तो सुनो श्री चंद्रभान सिंह आप सुनो बैठ के सुनो शांति से खड़े अरे आपके अपोजिशन खड़े अरे आपके अपोजिशन खड़े आपके नेता को नहीं मानते हो क्या अरे क्या आप नेता को नहीं मानते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ये माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं तो ये 5 साल अगर व्यवस्था नहीं थी तो 5 साल तक बिजली पूरी कैसे आ रही थी। आज देखिए अध्यक्ष जी इस प्रकार से सदन के अंदर शोर मचाकर आप बैठिए और मंत्री जवाब देने से बचते हैं मैं पुकारूंगा आपका नेता बोल रहा है मंत्री जवाब देने से बचते हैं आपका नेता बोल रहा है
अनुमति दी है मैंने कि मंत्री जवाब देने से बचते हैं और एक रटी रटाई बात आपने पकड़ रखी है कि पिछले 5 साल में कोई तंत्र में सुधार नहीं हुआ। मैं चाहता हूं ये सदन बिजली के ऊपर चर्चा कराइए, आप चर्चा कराइए बिजली पे कि कांग्रेस के राज के अंदर कितना तंत्र मजबूत हुआ और बीजेपी के राज रहा उसमें कितना तंत्र मजबूत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। बिजली पर चर्चा करोगे तो आपकी हालत खराब। 2 महीने से लगातार पीसीआर भरी जा रही है, लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, लगातार किसान को राज के अंदर बिजली दी जा रही है, आपकी पोल किसान परेशान है और ये जवाब नहीं दे रहे। ये कोई जवाब चंद्रमान सिंह, ये ऐसे सदन नहीं चलेगा। मंत्रियों से जवाब दिलाइए, मंत्री जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रमान सिंह के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न पुकार लिया है, इन्होंने पूछ लिया उसके बाद प्रश्न संख्या 49 बैठिए। माननीय प्रश्न संख्या 49 माननीय सदस्य बैठिए बैठिए। प्रश्न संख्या 49 अरे अरे माननीय, मुझे मजबूर मत करें कि मुझे कोई और कदम उठाना पड़े। मुझे मजबूर मत करिए कि मैं किसी का नाम लेकर के कोई कदम उठाऊं। प्रश्नकाल को प्रश्नकाल के रूप में रहने दीजिए। जिनको अनुमति है इधर से उधर से माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे चंद्रमान सिंह के प्रश्न का। बैठिए। प्रश्न संख्या 49 आपका हो गया, इन्होंने उत्तर दे दिया, इन्होंने पूछ लिया, उत्तर आ गया। मैं हाँ जवाब सुनो ना अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप उत्तर दीजिए चंद्रमान के प्रश्न का, इधर मत उलझो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अगर बिजली का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान की आम आवाम से विषय संबंधित है, अगर प्रतिपक्ष के सभी भाई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य चाहते हैं तो सरकार तैयार है। प्रश्न संख्या 49 के लिए जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। प्रश्न संख्या 49 जो चाहो सरकार तैयार है। प्रश्न संख्या 49 तैयार है। पूर्ववर्ती सरकार ने कितने टाइम पर प्रश्न संख्या 49 सरकार तैयार है इसके लिए। इनके पास कौन है उत्पादन? अरे मारो क्वेश्चन है यार। अगला हो गया, अगला प्रश्न संख्या 49 पूरा प्रश्न चंद्रमान सिंह जी। अरे प्रश्न संख्या 49 प्रश्न है चंद्रमान सिंह जी। अगला प्रश्न मंत्री महोदय, बिजली मंत्री जी, माननीय मंत्री जी 49 नंबर क्वेश्चन। बैठिए बैठिए, 49 मंत्री जी जवाब दे रहे भाई। अरे जवाब दे रहे, अरे आप, अरे आपने कितनी दी है मुझे पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल में 5 साल को भी देख लीजिए चित्तौड़गढ़।